गुड आफ्टरनून, मेरा नाम दिव्यांशु कौशिक है, होम टाउन मेरठ है जो यूपी में आता है, शायद सबको पता होगा। रिसेंटली अभी देहरादून से इधर शिफ्ट हुआ हूँ और कुछ शायरी करने लगा हूँ, तो प्रफुल भाई ने उसको यूट्यूब पे डाला, लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा किया और थैंक यू हमारे कैमरा मैन को उसके लिए। उस तब मैंने कुछ चार लाइनें लिखी थी उस बात पे कि करोड़ों लोगों की भीड़ में हम भी कुछ अलग से दिखने लगे हैं, करोड़ों लोगों की भीड़ में हम भी कुछ अलग से दिखने लगे हैं जब से अपना हाल दिल अपनी कलम से लिखने लगे हैं। तो फर्स्टली मैं कुछ लाइनें अपने बारे में बोलता हूँ जो लास्ट टाइम भी बोली थी, दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ क्योंकि शायद कुछ को याद होगी और कुछ भूल गए होंगे। मेरे दिल पर छाई एक खुमारी है, लोगों को लगता है शायद मुझे कोई तो बीमारी है। मेरे दिल पर छाई एक खुमारी है, लोगों को लगता है शायद मुझे कोई तो बीमारी है। कई दफ़ा मुझे ज़िंदगी ने गिराने की साजिश की है पर मैं गिरा नहीं, क्योंकि मेरी रूह तलक में बसती मेरी खुददारी है। किसी के लिए उसका महबूब ही उसका सब कुछ है, किसी के लिए सबसे पहले आती उसकी यारी है। किसी के लिए उसका महबूब ही उसका सब कुछ है, किसी के लिए सबसे पहले आती उसकी यारी है। मेरे लिए तो मेरा पिता ही मेरा रब है, मेरे लिए तो मेरा पिता ही मेरा रब है, और मेरी माँ के कदमों में मेरी जन्नत सारी है। अभी थीम प्यार का है पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में लिखता हूँ अपनी पोएट्री, कविता, शायरी, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, तो कोई पोएट्री कहता है, कोई कविता कहता है। मैं अपने आप को दिल का शायर कहता हूँ क्योंकि मैं दिल की बातें ही अपनी कलम से लिखता हूँ। तो मैं ज़्यादातर कुमार विश्वास जी को सुनता हूँ जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक कह सकते हैं, गीतकार कह सकते हैं। मैं अपनी नज़रों में उन्हें एक मार्गदर्शित बताता हूँ कि जो एक मार्गदर्शन दिखाते हैं हिंदी के शायरों को। तो मैंने उनके लिए चार लाइनें लिखी थी। हिंदी के इस देश में, हिंदी के इस देश में मुझे अंग्रेज़ी के ख्वाब सता रहे हैं, हिंदी के इस देश में मुझे अंग्रेज़ी के ख्वाब सता रहे हैं। और हम वो नौजवान शायर हैं कुमार विश्वास भैया जो आपकी हिंदी की कविताओं के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनके लिए चार लाइनें थी। अब मैं आपको, प्यार का थीम है तो अब प्यार की बात चलती है, तो पहले ये बता देता हूँ कि मेरे लिए प्यार क्या है। जैसे अपने देश के लिए मरना एक फौजी के लिए उसकी शहादत होती है, जैसे अपने देश के लिए मरना एक फौजी के लिए उसकी शहादत होती है, वैसे ही किसी से मोहब्बत करना मेरे लिए ऊपर वाले की इबादत होती है। मैं चार लाइनें और बोलना चाहता हूँ प्यार के लिए। वैसे तो हमारे देश में जात, धर्म और भाषाएं अनेक हैं, वैसे तो हमारे देश में जात, धर्म और भाषाएं अनेक हैं, पर जब बात दिल से दिल लगाने की आती है ना जनाब, तो हम सब एक हैं। आज मैं पोएट्री जो बोलने जा रहा हूँ उसका टाइटल है प्यार का एहसास। प्यार की बातें, प्रेम की बातें, तो एहसास होना ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसी है कि जब शुरुआत होती है प्यार की, या फिर एक सच्चा आशिक जिसे कह सकते हैं, वो कैसा हो जाता है प्यार में, तो इन लाइनों में आपको बताता हूँ। ना जाने क्यों मैं इस दुनिया से डरने लगा हूँ, ना जाने क्यों मैं इस दुनिया से डरने लगा हूँ, हाँ मैं भी एक मुस्कुराते चेहरे से प्यार करने लगा हूँ। ना जाने मैं क्यों इस दुनिया से डरने लगा हूँ, हाँ मैं भी एक मुस्कुराते चेहरे से प्यार करने लगा हूँ। और ना मुझे आवारा आशिक मत समझ लेना, और ना मुझे आवारा आशिक मत समझ लेना, मैं अपने दिल से नहीं अपनी रूह तलक से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और ना मुझे आवारा आशिक मत समझ लेना, मैं अपने दिल से नहीं अपनी रूह तलक से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ मालूम है मुझे अब लोग आएंगे ज़िंदगी में हमें अलग करने के लिए, हाँ मालूम है लोग आएंगे अब ज़िंदगी में हमें अलग करने के लिए, भरोसा रख मुझ पर मेरे सनम, हम भी तैयार हैं अब तेरे लिए मरने के लिए। कुछ इस तरह तेरा बन गया हूँ मैं, कुछ इस तरह तेरा बन गया हूँ मैं कि तेरे लिए सूली भी चढ़ जाऊँगा,
कुछ इस तरह तेरा बन गया हूँ मैं कि तेरे लिए सूली भी चढ़ जाऊँगा और ये एक दो लोग तो कुछ भी नहीं है, तेरी खुशी के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊँगा। और ये एक दो लोग तो कुछ भी नहीं है, तेरी खुशी के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊँगा। मुझे तो अब बस तेरी बाहों में ही रहना है, मुझे तो अब बस तेरी बाहों में ही रहना है, तू ही मेरा रब है, मेरी इबादत है, हर पल हर वक्त हर लम्हा तुझसे यही कहना है। अब तेरे संग मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, अब तेरे संग मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, अपने ख्वाबों भरी दुनिया तुझ संग ही सजानी है। अब तेरे संग मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, अपने ख्वाबों भरी दुनिया तेरे संग ही सजानी है। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, सबसे हसीन तेरे मेरे प्यार की कहानी है। हाँ मैं जानता हूँ, सबसे हसीन तेरे मेरे प्यार की कहानी है, किसी और की तो मुझे खबर नहीं, पर मेरे लिए अब तू ही मेरी जिंदगानी है। इन द एंड चार लाइनें मैं बोल देता हूँ, जो होता है कि प्यार बहुत चीज़ों में बढ़ जाता है, शायद ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप समझ भी पाएंगे। इस कलयुग से ज़्यादा इंसान बेईमान हो नहीं सकता, इस कलयुग से ज़्यादा इंसान बेईमान हो नहीं सकता, ये प्यार है जनाब, ये प्यार है जनाब, ये हिंदू या मुसलमान हो नहीं सकता। मैं चार लाइनें अगर बोलना चाहूँ, अभी प्रफुल्ल भाई ने सार्टी किया था माँ के प्यार के लिए, तो मेरे लिए हर चीज़ वो प्यारी है जो मेरे को खुशी देती है या कोई एक एहसास कराती है कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तो माँ है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरी, जब पूरी कायनात भी झुक जाती है जब किसी की किस्मत रंग लाती है, पूरी कायनात भी झुक जाती है जब किसी की किस्मत रंग लाती है, मुझे जन्नत सी नज़र आती है जब मेरी माँ मुस्कुराती है। और जब माँ की बात होती है तो मैं पिता को नहीं भूलना चाहता, क्योंकि हमारे देश में एक पिता इतने अंडर एस्टिमेट होते हैं, इतने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि वो तो कुछ करते ही नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरी खुशी के लिए ही कठोर और मेरी खुशी के लिए ही नरम है, मेरी खुशी के लिए ही कठोर और मेरी खुशी के लिए ही नरम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो मेरे पिता का करम है। थैंक यू सो मच।